हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल ऑल आर फाइन। आप सभी लोग घर पे अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज हम स्टैंडर्ड 5 का हिंदी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 13, स्वच्छता। स्वच्छता हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है हमारे लाइफ में। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो इस पाठ में हमको स्वच्छता के बारे में बताया गया है कि किस तरह हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, और स्वच्छता अगर हम रखेंगे तो हमारे आसपास हमेशा अच्छाई ही रहेगी। अगर हम स्वच्छता नहीं रखते हैं तो हमारे पास गंदगी होगी और गंदगी से ही कई सारे रोग फैलते हैं। रोगों की जड़ क्या है? रोगों की जड़ है गंदगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इसमें हमको स्वच्छता के बारे में समझाया है, तो हम स्वच्छता के बारे में समझेंगे। देखिए चित्र में हमको बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये लड़का है, वह जा रहा है देखो रास्ते से, और किसी ने केले का छिलका फेंका है और वह देखता है, वो उसके ऊपर आकर गिरता है, पर वह कितना समझदार है जो वह नीचे से उठाकर उस केले के छिलके को डस्टबिन में डालता है। मतलब वह चाहता है कि इधर स्वच्छता रहे, गंदगी ना फैले। ओके, तो चलो हम पढ़ते हैं। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। देखो एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया, मीन्स बर्थडे पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की पुस्तक खरीदी। फिर देखो जब उसने अजय ने मोहन को बुलाया तो मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए एक कहानियों, जिसमें बहुत सारी कहानियां थी, वैसी पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। उसने क्या किया, आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, पैक करवाते हैं, उसी तरह उसने भी एक रंगीन थैली में उसको पैक कर लिया और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का छिलका आ गिरा। देखो इसमें बताया कि जैसे ही वह अजय की गली में पहुंचा, वहीं पर उसके ऊपर एक केले का छिलका आ गिरा। देखो एक आदमी यहाँ पर केले का छिलका उसके ऊपर गिरा रहा है, हम देख रहे हैं। फिर देखिए दूसरे पेज में ये सभी लोग मम्मी से वार्तालाप कर रहे हैं, तो हम देखेंगे। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। देखो फिर क्या कहता है मोहन, छी छी, कितनी बुरी आदत है, कितनी गंदी आदत है कि सड़क पर छिलका फेंकता है। मोहन ने मन मन में सोचा, मोहन ने कैसा, मन मन में ही ऐसा सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। उसने क्या किया, वो केले का छिलका उठाया और इधर उधर उसने देखा कि यह किसने फेंका। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ेदान दिखाई दिया। देखो फिर उसने देखा इधर उधर छिलके को उठा के, और उसने इधर उधर देखा, उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन उसे दूर एक कूड़ेदान कचरा पेटी दिखी। उसने छिलका उसमें डाल दिया। उसने क्या किया, उसने वह छिलका उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। फिर उसने क्या देखा, उसने देखा कि जैसे उसने छिलका डाला, वो कूड़ेदान के पास में ही बहुत सारा कूड़ा पड़ा था। मतलब जो कूड़ेदान था वो भर गया था और उसके आसपास बहुत सारा कूड़ा बाहर निकल के गिरा हुआ था। वहां मक्खियां भिनक रही थी। वहां क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, वहां मक्खियां भिनक रही थी, मतलब मक्खियां भिन भिन कर रही थी, और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। और क्या होता है, और चारों ओर, उसके चारों ओर जहाँ पे मक्खी भिन भिन कर रही थी, वहां पर चारों ओर मक्खियां ही मक्खियां फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। देखो फिर वह कचरे की डोल से थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उसे बहुत गंदी ही बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है, उस पानी से बदबू आ रही थी। देखो वह थोड़ा आगे बढ़ता है कूड़ेदान से, तो उसे बहुत ही गंदी बदबू आती है।
और वह इतनी देर में क्या देखता है, जो नाला होता है उसके पानी, उसके बाजू में से एक नाला जा रहा होता है, वहां पर उस नाले में बहुत सारा कचरा पड़ा होता है, जिस उस कचरे की वजह से पानी रुक गया होता है और उस पानी में बहुत सारे मच्छर होते हैं जिसमें से बदबू आ रही होती है। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। मोहन नाक पर रुमाल रखकर कहाँ पहुंचा? मोहन को जब बहुत बदबू आती है तो वो अपने नाक पर रुमाल रखकर अजय के घर पहुंचता है। वहां अजय के और भी मित्र आए थे। देखो वहां पर अजय के और भी बहुत सारे मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय ने क्या किया? अजय ने अपने माता पिता को अजय मोहन से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, अजय की दादी थी वो क्या थी? बीमार थी। मोहन उनसे भी मिला पर खाने की चीजें रखी थी। देखो यहाँ पे मेज मतलब टेबल पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थी। देखो टेबल पर बहुत सारी खाने की चीजें रखी थी और उस पर बार बार मक्खी आ रही थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? देखो फिर मोहन ने अजय से कहा, कि अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? देखो फिर वो कहता है, क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती जो तुम्हारे यहाँ पर इतनी गंदगी है सभी? क्योंकि उसने देखा कि सभी जगह किस तरह लोग रास्ते पर ही कूड़ा डाल देते हैं, कूड़ेदान भी भरे पड़े हैं, किसी को कुछ परवाह ही नहीं है, कितनी गंदगी है, पानी रुका हुआ है, उसमें से मच्छर पैदा हो रहे हैं। फिर वह कहता है, अजय की माता जी ने कहा, देखो फिर अजय की माता जी ने क्या कहा, बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है। देखो फिर वो क्या कहती है अजय की माता जी, मम्मी कि बेटा नगर पालिका की तो गाड़ी तो आती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। देखो फिर क्या कहती, जब वह अजय की माता जी से बात करता है तो अजय की माता जी कहती है, बेटा नगर पालिका की गाड़ी तो आती है और उन्होंने जगह जगह कचरा पेटी कूड़ेदान भी रखा हुआ है, पर लोग उसमें कूड़ा डालते ही नहीं है, वे सड़क पर ही अपना कचरा फेंक देते हैं, इसीलिए इधर इतनी गंदगी होती है। देखिए दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। देखो फिर वो लोग वो बर्थडे मनाकर घर पे चला जाता है। फिर जब दूसरे दिन वो पाठशाला में जाता है तब वह गंदगी की बात अपने अध्यापक को बताता है, मतलब अपने सर को बताता है। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन। देखो फिर अध्यापक सर होते हैं वो क्या कहते हैं, हाँ तुम ठीक कह रहे हो मोहन, गंदगी बहुत रोगों की जड़ है। गंदगी क्या है? बहुत रोगों की जड़ है। नगर पालिका काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। देखो फिर सर क्या कहते हैं कि हाँ नगर पालिका का तो काम ही है हमारे मोहल्ले को स्वच्छ रखना, पर हमारे मोहल्ले को स्वच्छ रखने के लिए हमें उनकी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चलें। देखो फिर सर क्या कहते हैं कि चलो हम सब एक दिन अजय के मोहल्ले में चलें और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। देखो फिर क्या कहता है, फिर क्या कहते हैं सर, वह कहते हैं कि चलो हम एक दिन हम अजय के मोहल्ले में चलें और वहां पर जाकर खुद ही सफाई का काम प्रारंभ करें, लोगों को समझाएं जिससे लोगों को पता चले कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, हमारे आसपास हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। देखो और वह फिर वही सब लोग पहुंच जाते हैं देखो सफाई करने। रविवार के दिन अभी अजय के मोहल्ले में गए। ओके देखो फिर सभी लोग रविवार के दिन कहाँ जाते हैं? अजय के मोहल्ले में जाते हैं देखो साफ सफाई करने, स्वच्छता करने। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे और सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों का पानी साफ किया और पानी का रास्ता बनाया। देखो वो क्या कहते हैं कि देखो वह लोग सभी स्वच्छता के लिए जाते हैं, सभी लोग अपने हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू ले लेते हैं और सभी लोग वहां पर जाकर
सफाई करते हैं और जो नालियों में पानी रुका हुआ है उसे उसकी सफाई करते हैं जिससे पानी आगे जा सके। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आज हमने पार्ट यहाँ तक पढ़ लिया है, अब हम आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आपको होमवर्क में यह पार्ट पढ़ना है, पेज नंबर 93 यहाँ तक आपको यह पार्ट पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।